हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेस। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हमने एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया है जो आपके नीट और एम्स एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें एक चैप्टर 12th क्लास एनसीईआरटी में आता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैंने कुछ प्रीवियस लेक्चर लिए हैं इससे पहले, जिसमें आपको डिजीज को कैसे पढ़ा जाता है, हेल्थ की डिफिनीशन और ढेर सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। आज जो टॉपिक मैं इसमें कंसीडर करने वाला हूँ, आज जो टॉपिक मैं यहाँ सेलेक्ट करने वाला हूँ, वो टॉपिक हम रखेंगे एक पर्टिकुलर डिजीज को। मैंने जनरलाइज आपको सारे डिजीज को तो पहले बता दिए हैं, एक एक डिजीज को कि उसमें से पढ़ना क्या, उनके उतने उतने पॉइंट पढ़ना है। लेकिन फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है कि एक डिजीज आपको डिटेल में पढ़ना है, वो है मलेरिया। ऐसा इसलिए है कि मलेरिया हमारे देश में एक एंडेमिक डिजीज है। दुनिया भर में मलेरिया अफ्रीका और इंडिया में और साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है। तो इंडिया में एक नेशनल पॉलिसी भी है, हेल्थ पॉलिसी भी है कि कैसे मलेरिया को इरेडिकेट किया जाए। इस वजह से ये अप्लाइड बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनी ही रहती है। तो फ्रेंड्स, आपको करना ये है सबसे पहले कि आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है। देखिए, टेक्स्ट बुक से भागिए नहीं, टेक्स्ट बुक को बार बार देखिए, जितनी बार देखेंगे उतना बेहतर होगा। और इस पे ये पेज नंबर 148 पे जो पूरे पेज का डायग्राम दिया गया है, इसको देखना है। इस डायग्राम को आपको याद करना है, इस डायग्राम को आपको बना के याद करना है, क्योंकि इस डायग्राम से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अभी मैं इस लेक्चर पर्टिकुलर में मलेरिया के बारे में ही आपको बताऊंगा और बेसिकली ये भी बता दूंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्या पूछा जाएगा। अगर आप देखो, मैं जो पढ़ाता हूँ तो आपको अगर लेक्चर को वर्ड बाई वर्ड अगर आप सुन रहे हैं और उसी डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, तो ये समझ लो कि पेपर आउट है। आपको मैंने वो चीज़ बता दिया, आप जाना एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, आपको मेरा लेक्चर याद आएगा, आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए, आपको वो बातें बिल्कुल समझ में आने लगेगी। बस जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप पढ़िए, जैसे आपको जहाँ जैसे बोल रहा हूँ वो उस चीज़ को फॉलो करिए। जब मेरे लेक्चर को आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाते रहूं और आपका सिलेबस कंप्लीट करवा पाऊं। और मुझसे कम्युनिकेशन करिए, कमेंट बॉक्स में जो है अपने एक्सपीरियंस को बताइए, अपने डाउट को बताइए, है ना, और अपने अचीवमेंट को बताइए कि आपने मेरी क्लास को लिया तो उससे आपने क्या नया सीखा, क्या आपके डाउट थे जो लेक्चर के बाद आपसे सही हो गए। अपने फ्रेंड सर्किल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्कुलेट करिए। जब आप सर्कुलेट करेंगे तो उसकी वजह से जो है मेरे वीडियो जो है रिकमेंडेशन लिस्ट में आना शुरू होंगे और उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा न्यू वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी देर न करते हुए हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज आपको पढ़ना मलेरिया। जैसा मैंने आपको पैटर्न बताया था पिछले लेक्चर में, सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी जाती है, कॉजेटिव एजेंट, मलेरिया होता किस चीज़ से है। तो एक चीज़ यहाँ सबसे कंफ्यूजिंग है, एक कॉमन सेंस की बात है कि मच्छर से होता है, मॉस्किटो से होता है। लेकिन एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आपको पता है कि जो मॉस्किटो है वो एक वेक्टर है। एक कॉन्सेप्ट होता है ना वेक्टर का कॉन्सेप्ट, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जो वेक्टर होते हैं वो जस्ट कैरी करते हैं, ठीक है। मॉस्किटो जस्ट वेक्टर होता है, एक चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअल जो पैरासाइट है जिससे जो है मलेरिया होता है, जो पैरासाइट्स है वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक जीनस है फ्रेंड्स, इसकी डिफरेंट स्पीसीज हैं। प्लाज्मोडियम आपको 11th में किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ाया गया है, ये किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है। अब आप याद करिए, जो किंगडम प्रोटिस्टा था
वो यूनिसेलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म का किंगडम है। उसमें कई डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। उसमें एक तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, तो ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ठीक है। एक स्लाइम मोल्ड जैसे थे सेप्रोफिटिक, तो ये वो भी नहीं है। तो ये कैसा है? ये प्रोटोजोनल प्रोटिस्ट है, यानी हेटरोट्रॉप प्रोटिस्ट है, और उसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया था। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरे जो है चैनल पे जो वीडियो पड़ी हुई है बायोडाइवर्सिटी की, मैंने डाइवर्सिटी की 66 वीडियो डाली है, जिसमें आपको इंडिविजुअल किंगडम से लेके हर एक माइन्यूट डिटेल तक दी है। मैं आपको लेक्चर इतने सिस्टमेटिक वे में दे रहा हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप इन लेक्चर को फॉलो करते हुए क्लासरूम को अपने डोर स्टेप पे घर पे बुला सकते हैं। आपको घर में ही क्लासरूम जैसा फीलिंग आएगी, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। क्योंकि सीरियस कैंडिडेट होनी तो रिक्वायरमेंट बनती है ना, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। तो वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं कि हमने फिर से जो प्रोटोजोनल प्रोटिस्ट था उसको चार जो है क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक अमीबा लाइक है, एक जिनमें लोग वो बेसिस है किस पे, वो क्लासिफिकेशन बेसिस है लोकोमोटरी ऑर्गेनल पे। तो उसमें जो है एक अमीबा लाइक है, अमीबा लाइक वो होते हैं जिसमें जो है स्यूडोपोडिया के थ्रू जो है मूवमेंट होता है। दूसरे जो हैं वो कौन से हैं, सिलिएटा, जिनमें सीलिया के थ्रू होता है। तीसरे फ्लैजिलेट, जिसमें फ्लैजिलम के थ्रू होता है। और चौथे वो हैं जो स्पोरोजोआ हैं, जिनके लाइफ में कभी न कभी एक स्पोर की स्टेज होती है, उनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो ये प्लाज्मोडियम उस स्पोरोजोआ का पार्ट है, इस वजह से ये प्रोटोजोनल प्रोटिस्ट है और किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट है, ठीक है। अभी तक जैसे जो आप पढ़ रहे थे जो पैथोजेनिक एजेंट थे, वो सारे के सारे जो है डिफरेंट ग्रुप से आ रहे थे, लेकिन ये जो है ये प्रोटोजोनल प्रोटिस्ट है, मतलब ये प्रोटोजोआ का पार्ट है। ये प्रोटोजोआ जो है ये ह्यूमन में मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं है, जब ये लोकोमोशन नहीं कर सकता, तब ही इसे ज़रूरत पड़ती है वेक्टर की। तो वेक्टर क्या करता है, वेक्टर इसे अपने होस्ट के पास ले जाता है। हर पैरासाइट एक होस्ट की बॉडी से अटैच होता है। होस्ट से किसी भी पैरासाइट को दो चीज़ें मिलती है, एक तो शेल्टर रहने की जगह और दूसरा फूड खाना मिलता है, ठीक है। जब उसे खाना मिल जाता है, रहने की जगह मिल जाती है, तो पैरासाइट का पहला काम होता है रिप्रोडक्शन करना, ठीक है। तो लाइफ बहुत सिंपल है पैरासाइट के बॉडी में, बस इतनी सी बात होती है कि कैसे होस्ट की बॉडी में जगह बनाई जाए, कैसे उसकी बॉडी से खाना लिया जाए और कैसे अपने नंबर बनाए जाए। ये चाहे कोई भी पैरासाइट्स है उसमें यही बात लागू होती है। तो किसी भी पैरासाइट में इन बातों को आप याद रख सकते हैं। यहाँ अब इसके दो होस्ट हैं, एक होस्ट इसका मॉस्किटो होता है जो कि एक वेक्टर भी होता है। वेक्टर का मतलब ये इसे स्प्रेड करवाता है, ठीक है। जैसे हाउस फ्लाई भी एक वेक्टर है विब्रियो कॉलेरी के लिए, जो कॉलेरा की बैक्टीरिया है, ठीक है, या दूसरे और पैथोजेन, उसी तरीके से ये मॉस्किटो भी एक वेक्टर का काम करता है। ये आपको ध्यान देना है। एक्चुअल विलेन कौन है, एक्चुअल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ठीक है। देखो वजह क्या है, प्लाज्मोडियम के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल तो है नहीं, तो ये खुद मूव करके होस्ट की बॉडी तक नहीं जा सकता। तो ये काम ये करवाता है किससे, पैरासाइट से। एक बात मैं आपको और कंफर्म कर दूं कि ये एक ऐसा पैरासाइट है जिसके दो होस्ट हैं। एक्चुअल में ये कंडीशन होती है, कभी कभी पैरासाइट के एक सिंगल होस्ट ही होते हैं, जैसे आपको टाइफाइड हुआ तो उसका एक सिंगल होस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसके दो होस्ट हैं, एक मॉस्किटो और एक जो है ह्यूमन।
जो डिजीज की कंडीशन होती है वो ह्यूमन में होती है, मॉस्किटो में कोई डिजीज की कंडीशन या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मॉस्किटो को ये पैरासाइट कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, तो मॉस्किटो तो आराम से रहता है, वो जस्ट वेक्टर का काम करता है, वो इसे स्प्रेड करवाता है एक होस्ट से दूसरे होस्ट, ह्यूमन होस्ट में स्प्रेड करवाता है। जबकि ह्यूमन में ये एक सीरियस इलनेस है। जैसे आपको ये जो प्लाज्मोडियम है, मैंने बोला ये जीनस है, तो इसकी तीन स्पीसीज मेंशन की गई हैं जो कॉमन स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इसमें जो फैल्सिपेरम है ये आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इससे जो मलेरिया होता है उसे मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं। इसकी वजह से जो हमारी ब्लड कैपिलरी है वो ब्लड कैपिलरी जो है उनमें क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो टिश्यू तक ब्लड पहुंचा वो नहीं पहुंच पाता, खास करके हमारे ब्रेन में नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से इस मलेरिया को सेरिब्रल मलेरिया भी बोलते हैं, सेरिब्रम में नहीं पहुँच पाता है। और पेशेंट जो है ये 100% फैटल है, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो डेथ हो जाती है। ज़्यादातर फैल्सिपेरम के केस अफ्रीका में हैं, बट अब कुछ केस जो है इंडिया में भी होते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो कॉजेटिव एजेंट क्या हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, वो कहाँ से बिलोंग करता है ये बात आपको पता लग गई, उसकी तीन सब स्पीसीज है जिसमें मैलिग्नेंट केस किससे होता है ये आपको पता लग गई। नेक्स्ट वन चलते हैं, रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मॉस्किटो बाइट से ये हमारे बॉडी में आता है, बॉडी फ्लूड से ब्लड के थ्रू जब मॉस्किटो बाइट करता है। एक्चुअल बात ये है ना कि मॉस्किटो जो है जिस ग्रुप ऑफ एनिमल से आता उन्हें बोलते हैं सांगीबोर्स। सांगीबोर्स एक टर्म है, सांगीबोर्स, देखिए सांगीबोर्स, सांगीबोर्स का मतलब है हु फीड अपॉन ब्लड और बॉडी फ्लूड, ठीक है। जो ब्लड पे फीड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सांगीबोर्स, ठीक है। जो भी जो जैसे लीच जो है, जोंक जो होती है लीच, वो भी सांगीबोर्स होती है। तो जब कोई भी एनिमल ब्लड पे ब्लड को खाना चाहता है, ब्लड को पीना चाहता है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होना चाहिए। हमारा ब्लड इस तरीके से डिजाइन है ना कि ये जो हमारी ब्लड वेसल से बाहर आता है वो क्लॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई जो है, जैसे आप इस तरीके से इमेजिन करिए कि अगर आप जो है ब्लड जैसा कोई डाइट पी रहे हो, जैसे एक वो जो कॉर्ट्रेज होता है फ्रूट जूस का, अगर आप उसे पी रहे हो, रियल का जो जूस होता है, और आप ऐसे ज्यूम करिए कि आप उसे मुंह में खींचे और वो एकदम सॉलिड चिपचिपा सा हो जाए, तो फिर आप कैसे उसे पी पाएंगे, मज़ा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि वो बाहर निकलते ही क्लॉट और चिपचिपा हो जा रहा है। तो मज़ा तो तब है ना कि जब वो फ्रूट जूस को आप लिक्विड फॉर्म में आराम से पीते रहते हैं। ऐसा बनाने के लिए क्या होता है कि इन सारे एनिमल की जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें कुछ केमिकल होते हैं जिन्हें एंटीकॉगुलेंट बोलते हैं। एंटीकॉगुलेंट का काम होता है कि ब्लड को जमने से रोकना, जिससे ब्लड लिक्विड स्टेज में बना रहे। तो ऐसा करने के लिए जब मॉस्किटो आपके बॉडी में इस तरीके से पर्सिंग करता है, जब वो अपनी जो है जीभ को, उसे जीभ तो नहीं बोल सकते, हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं, जब वो उसे आपकी बॉडी में इंसर्ट करता है, तो वो अपनी सलाइवरी ग्लैंड से पहले सलाइवा डालता है, जिससे आपका ब्लड जमे नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में रहे, फिर वो उसे सक करता है। इस बात का पता प्लाज्मोडियम को था। ये कुछ वैसे है ना कि जैसे एक तरीके का ये केस हो कि उसने इस कमजोरी का फायदा उठाया है, जो पैरासाइट है ना वो इसका फायदा उठाया है। और देखिए जो आपको लाइफ साइकिल है इसमें ये मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड को दिखाया गया, ये एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो है। एक बात आपको याद रखना है, हर बार मॉस्किटो आपको काटता है आपको मलेरिया नहीं होती है। तो मलेरिया तभी होती है कि ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड है मॉस्किटो की, इसमें पहले से स्पोरोजाइट्स, यानी स्पोरोजाइट्स मतलब स्पोर फॉर्म में प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम पहले से थे, ये ह्यूमन बॉडी में चले आए क्योंकि मॉस्किटो ने इसे काटा और ये ह्यूमन के ब्लड में चले आए मॉस्किटो बाइट से, ठीक है। तो जब
ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन में इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, कौन सी स्टेज ह्यूमन में एंट्री करती है ह्यूमन होस्ट में, तो आपको पहले याद रखना कि वो स्पोरोफाइट्स होती है, स्पोरोजॉइट्स होती है। और स्पोरोजॉइट्स कौन सी स्टेज है, एसेक्सुअल स्टेज है, वो सेक्सुअल स्टेज नहीं है। जब ये ह्यूमन बॉडी में आती है तो ब्लड के थ्रू ये हमारे लीवर में जाती है, लीवर में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये ध्यान रखना है। ह्यूमन होस्ट में जब पैरासाइट है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अपने नंबर्स बढ़ाते हैं और ये फिर लीवर के सेल को डैमेज करके यहाँ से रिलीज होते हैं और किसी आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं जो कि ब्लड में बहुत सारी होती है। वजह क्या होती है, उसमें का प्रोटीन हीमोग्लोबिन, और ये उसे भी फीड कर लेते हैं और अपने नंबर को बढ़ा के फिर से रिलीज करते हैं, ये साइक्लिक होता रहता है। जब ये इसे रिलीज करते हैं तो यहाँ पे एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं हीमोजोइन, हीमोजोइन जो टॉक्सिन्स है इसकी वजह से ही ह्यूमन में हाई ग्रेड साइक्लिक फीवर आता है। मतलब जितनी बार इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 8 घंटे 6 घंटे बाद, और जब ये आरबीसी रप्चर होती है और ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में आते हैं तो उतनी बार ही चिल होके कपकपी होके तेज बुखार आता है, उसी चीज़ को हम साइक्लिक फीवर स्टेज बोलते हैं। इसके बाद ये जो है सेक्सुअल स्टेज में आते हैं। सेक्सुअल स्टेज का मतलब ये है कि अब ये जो है इनमें जो है रिडक्शन डिवीजन होता है और ये फॉर्मेशन करते हैं गेमेटोसाइट्स। ये जो गेमेटोसाइट्स हैं ये जो है ये ह्यूमन बॉडी में फिर रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। इस समय अगर फिर से कोई मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है, अब की बार ह्यूमन होस्ट इन्फेक्टेड है, उसके बॉडी में ये पैरासाइट हैं, तो ये मॉस्किटो बाइट करने की वजह से ये मॉस्किटो के स्टमक में पहुँच जाते हैं। कोई भी पैरासाइट्स फ्रेंड, एक बात आप याद रखेंगे कि वो अपने होस्ट के बॉडी में रहने के लिए पहले से डिजाइन होता है। जैसे अगर हमारे इंटेस्टाइन में स्केरिस रहता है तो हमारे बॉडी का जो इंटेस्टाइन है वो कोई रहने की जगह नहीं है, वहाँ बहुत एसिडिक कंडीशन है, अल्कलाइन कंडीशन है, बहुत सारी डाइजेस्टिव एंजाइम है, बट स्केरिस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि वो वहाँ रहने के लिए डिजाइन है। ठीक इसी तरीके से प्लाज्मोडियम जो है ये डिजाइन है कि मॉस्किटो के स्टमक में ये आराम से रह लेता है, तो मॉस्किटो का डाइजेस्टिव एनवायरनमेंट उसे कोई हार्म नहीं करता है, बल्कि ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये जो गेमेटोसाइट्स हैं ये गेमेट को प्रोड्यूस करती हैं, गेमेटोसाइट्स का मतलब गेमेट प्रोड्यूसिंग सेल, ये गेमेट को प्रोड्यूस करती है मेल और फीमेल, इनका फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होता है स्पोर के फार्म में। जो स्पोर यहाँ पे बनते हैं इनको हम स्पोरोजाइट्स बोलते हैं। ये जो स्पोरस फार्म है ये यहाँ से माइग्रेट करके इसके स्टमक से इसके सलाइवरी ग्लैंड में चला जाता है, सलाइवरी ग्लैंड में ये फिर से पड़ा रहता है, और जब ये किसी नए ह्यूमन होस्ट को जब ये बाइट करता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले वो सलाइवा डालेगा और जो सलाइवा पड़ रहा है उस सलाइवा का उस रूट का फ़ायदा उठा के प्लाज्मोडियम ह्यूमन में एंट्री कर जाता है। तो आप देखिए ह्यूमन में जो फेज इन्फेक्टिव है वो कौन सी है, तो आप बोलेंगे ह्यूमन में इन्फेक्टिव फेज जो है एसेक्सुअल स्पोरोजॉइट। मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, गेमेटोसाइट। वो कैसी स्टेज है, वो सेक्सुअल स्टेज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से होस्ट में होता है, तो आप बोलेंगे मॉस्किटो होस्ट में। एसेक्सुअल किस में होता है, तो वो कहाँ पे होता है, वो होता है ह्यूमन होस्ट में। उसकी लोकेशन कहाँ है, लीवर की सेल हिपेटोसाइट। यही सब क्वेश्चन होते हैं जो मैं बोलते जा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन होगा। अब लीवर की जब सेल डैमेज होती हैं तो इसकी वजह से जॉन्डिस जैसे सिम्टम आ जाते हैं और उसके साथ साथ जो ब्लड काउंट है आरबीसी वो भी डाउन हो जाता है, तो एनीमिया भी हो जाती है। तो ये सब भी क्लिनिकल सिम्टम आने लगते हैं पेशेंट में,
कि उसे लीवर में स्वेलिंग हो जाती है जिसे हिपैटोमिगैली बोलते हैं, जॉन्डिस जैसे सिम्टम आ जाते हैं, एनीमिया जैसे सिम्टम आ जाते हैं, फीवर आता है, लीवर का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाएगी, ठीक है, ये सारे डिस्कम्फर्ट रहेंगे। और फैल्सिपेरम में तो आपको बताया कि कैपिलरी ही ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, बाकी में कैपिलरी ब्लॉक तो नहीं होती है लेकिन लीवर और उसका ब्लड बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली मॉस्किटो से के आपको कितनी बार काटते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी सलाइवरी ग्लैंड में ये पहले से नहीं होती है। यहाँ एक चीज़ डिजाइन को समझिए कि जो पैरासाइट है ना वो कुछ ऐसे किया है जैसे आप मूवी में देखते हैं, मूवी में आपको देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में, अभी आप डिफेंस पढ़ेंगे जो आपको इम्यून सिस्टम में बताऊंगा तब समझेंगे आप, इतना आसान नहीं है ह्यूमन बॉडी में आना, क्योंकि हमारे पास एक बहुत वेल अपडेट जो है डिफेंस सिस्टम है, बट दुनिया का हर डिफेंस सिस्टम में कुछ वीकनेस होती है। तो हमारा वीकनेस क्या है कि मॉस्किटो जो है पहले से आता जाता है। जैसे आपको किसी के घर में कोई चीज़ भेजना है, कोई जासूसी करवाना, तो आप मूवी में देखते हैं ना कि जो पहले से आता जाता है उसे टारगेट किया जाता है। जैसे घर में नौकर हैं वो डेली आते जाते हैं तो उसके थ्रू आप भेज दो, क्योंकि उसको तो नहीं रोक पाते। ऐसे मॉस्किटो हमें डेली काटते हैं, हम बच नहीं पाते, चाहे कभी न कभी तो मॉस्किटो आपको काटेगा ही। तो अगर मॉस्किटो के साथ हो लिया जाए, पैरासाइट ऐसे सोचता है, तो ह्यूमन बॉडी में एंट्री मिल जाएगी और अपने लाइफ का एक फेज यहाँ पूरा कर लिया जाए, ह्यूमन बॉडी में खूब खाना है और रिप्रोडक्शन मॉस्किटो की बॉडी में कर लिया जाए, और ह्यूमन जहाँ रहता है आसपास मॉस्किटो भी होते हैं, इस तरीके से दो हॉस्ट के अंदर इसकी ज़िंदगी कटती रहती है, और ऐसा करके ही करोड़ों साल से मच्छर हमारे साथ जो है जिंदा है। तो ये मलेरिया की लाइफ साइकिल है। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी जो एसेक्सुअल सेक्सुअल बातें बताई, ये ज़्यादा याद रखना, आप यही चीज़ पूछी जाएगी, तो साइकिल को इस तरीके से ध्यान रखना और फिर आप क्वेश्चन करना तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या पैटर्न पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मलेरिया के लिए फ़िलहाल इतना रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।